मुफ्त वैक्सीन की बर्बादी और कालाबाजारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस की सत्ता वाले राजस्थान और पंजाब को निशाने पर लिया है। राजस्थान सरकार ने फंड नहीं होने की दलील देते हुए केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जयपुर में 300 करोड़ से ज्यादा के फंड से विधायकों के लिए बन रहे लग्जरी फ्लैट के प्रोजेक्ट पर सवाल उठा दिए। दूसरी ओर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। उधर बैकफुट पर आते हुए पंजाब सरकार को केंद्र से सस्ते दामों पर मिली वैक्सीन को निजी अस्पतालों को महंगे दामों पर बेचे जाने का फैसला वापस लेना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ये कहती आ रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को फ्यूल करती आ रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहते रहे आप वैक्सीन एक्सपोर्ट मत करो, राहुल जी कहते रहे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, राजस्थान में वो कूड़े में है और यहाँ पे उस पर प्रॉफिटेयरिंग हो रही है। शशि थरूर जी कहते हैं वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करो, फिर कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं आपने एक्सपोर्ट की। देखिए कांग्रेस की जो कल्चर है वो हम अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का पंजाब सरकार ने भले ही फैसला वापस ले लिया हो, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुखबीर सिंह बादल सोमवार को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के घर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। अकाली दल ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के मामले में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग उठाई है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक बिना मंत्री की इजाजत के मुख्य सचिव को कोई फैसला मुख्य सचिव नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कहते कुछ है होता कुछ है, पर अब उनकी सच्चाई देश भर के लोगों को मालूम चल गई है। कोविड की लड़ाई में जो बुरा हाल दिल्ली की जनता का हुआ है, जो बुरा वहां ऑक्सीजन नहीं मिली, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ऑक्सीजन सेवा शुरू करनी पड़ी, हॉस्पिटल खोलने पड़े, जो काम केजरीवाल का था वो दिल्ली सरकार आपने हमारे सिख इंस्टीट्यूशन ने करना पड़ा, और केजरीवाल ने तो सेंट्रल सरकार के सामने हाथ खड़े करके बोल दिया कि मैं ये कोविड की लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ, कि सारी लड़ाई उन्होंने सेंटर को पास कर दी थी। ऐसा मुख्यमंत्री जो लड़ाई के मौके भाग जाए तो मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। ये श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब परसों 7 जून नूं मोहाली दे विच सरदार बलबीर सिंह सिद्धू सेहत मंत्री के घर के सामने धरना देंगे। सारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप हाईकमांड कोर कमेटी MLA XML जिला प्रधान उन्होंने नाल पिटणगे, और साड़ी मंग है कि एक तो सेहत मंत्री साहब इस्तीफा दें और एक सारे मामले की सीबीआई की जांच की।